मित्रों, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ के परिपत्र संख्या 69/2015 दिनांक 13 अक्टूबर 2015 के संबंध में आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं, जो दुधारू पशु एवं गौवंश के वध तथा अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु आवश्यक विस्तृत दिशा निर्देश दिए जाने के संबंध में है। आप अवगत होंगे कि प्रदेश में अवैध रूप से दुधारू पशुओं तथा गौवंश की वध की लिए तस्करी किए जाने की सूचनाएं एवं घटनाएं हमें मिलती रहती हैं, जहां प्रदेश की जनता में इस कुल प्रवृत्ति के प्रति आक्रोश उभरता है एवं दुधारू पशुओं की संख्या में कमी भी प्रदर्शित हो रही है। वहीं पुलिस विभाग की छवि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसके रोकथाम हेतु समय समय पर मुख्यालय से दिशा निर्देश निर्गत किए जाते रहे हैं, परंतु वर्तमान परिवेश में पुनः आपको इस संबंध में उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम एवं उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अधिनियम द्वारा गोवध पर पूर्ण प्रतिबंध किए जाने के संबंध में किए गए बदलाव के संबंध में अवगत कराते हुए आपसे इस प्रवृत्ति पर रोक लगाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए जाने की अपेक्षा और बताए जाने की अपेक्षा की गई है। किसी स्थान पर वध किए जाना गाय, सांड, बैल या अन्य प्रकार के जानवरों के विक्रय करने आदि के परिवहन करने और परिवहन के लिए प्रस्तुत करने पर पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। प्रदेश में दुधारू पशुओं के अवैध वध एवं अनाधिकृत परिवहन से उत्पन्न होने वाली आर्थिक शांति व्यवस्था संबंधी गंभीर स्थिति के दृष्टिगत व्यावहारिक कार्य योजना द्वारा आपके को मार्गदर्शन किए जाने हेतु निम्न बिंदुओं पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। नंबर एक, गोवध पर प्रभावी निगरानी पुलिस प्रशासन द्वारा किया जाए। गोवध संबंधी अपराधों को संज्ञान में लेते हुए समुचित वैधानिक कार्रवाई एवं अपराधियों को दंडित करने की कार्रवाई समय से सुनिश्चित की जाए। गोवंशीय पशुओं के प्रदेश के बाहर बिना अनुज्ञापत्र के प्रवाहित न किया जाए और न ही उनसे अंतर जनपदीय सीमाओं पर राष्ट्रीय राजमार्गों, सीमावर्ती ग्रामीण पशु पारगमन मार्गों पर प्रभावी निगरानी रखते हुए बिना अनुज्ञापत्र के आवाजाही पर रोक लगाई जाए। गोवध अधिनियम की धारा 7(3) के अंतर्गत तस्करी एवं अवैध परिवहन के दौरान पकड़े गए पशुओं को अनिवार्य रूप से किसी गौशाला या किसी ऐसी संस्था को सबूत करनी चाहिए जहाँ उनका जीवन सुरक्षित रहे। समय समय पर वधशालाओं का निरीक्षण भी किया जाना चाहिए। अनियमितता पाए जाने पर उनके विरुद्ध तत्काल वैधानिक कार्रवाई भी अमल में लानी चाहिए। पशु तस्करों के बारे में अभिसूचना संकलित करते हुए विलेज क्राइम नोटबुक में भी अंकन करते रहना चाहिए। ऐसी स्थिति पाए जाने पर संबंधित अपराधियों व्यक्तियों के विरुद्ध हिस्ट्री सीट भी खोली जानी चाहिए। पशुओं के वध तस्करी में संलिप्त ऐसे अपराधी जिनके विरुद्ध विगत 5 वर्षों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किए गए हैं, उनका विवरण तैयार कर उनकी गतिविधियों पर सतत निगरानी रखनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक द्वारा निष्ठावान कर्मियों का एक सचल दस्ता भी राजपत्रित अधिकारी में गठित करना चाहिए, जिन्हें अचानक रात्रि में अथवा दिन में किसी भी समय आकस्मिक रूप से चेकिंग हेतु भेजा जाना चाहिए। जिस थाना क्षेत्र में पशु पकड़े जाए इस क्षेत्र के थानाध्यक्ष के आचरण पर जांच करके उनके थानाध्यक्ष पद से हटाए जाने के संबंध में भी कार्रवाई अमल में लेनी चाहिए। इस प्रकार की कार्रवाइयों से जनता के में पुलिस के प्रति विश्वास पैदा होगा तथा जनपद में स्थित पशु वधशालाओं का अधिकृत अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से निरीक्षण करने से पशु वधशालाओं में पशुओं का अवैध कटान तो नहीं होगा और साथ ही ऐसे संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने में भी सहायता मिलेगी। ऐसे अपराधी जो पशु तस्करी के अपराध में पूर्व से संलिप्त रहे हैं, उन्हें ऐसे अपराध कारित करते हुए पाए जाए तो उनके विरुद्ध हिस्ट्री सीट खोलकर अवश्य कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। प्रत्येक थाना क्षेत्र में साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक लगने वाले पशु मेला पब्लिक हाट का निरीक्षण कर विधिक प्रावधानों का अनुपालन करते हुए कठोर निगरानी रखनी चाहिए। पशुओं की खरीद फरोख्त करने वाले व्यापारियों के संबंध में भी पूर्णतः जानकारी पुलिस थाना स्थानीय पुलिस के पास होना जरूरी है। प्रदेश की सीमा से जुड़े हुए अन्य राज्यों के ऐसे मार्गों पर भी कड़ी निगरानी रखनी चाहिए तथा नियमित चेकिंग करते रहना चाहिए जहां से पशु तस्करी होने की संभावना ज़्यादा संभव प्रबल हो।
यह भी ध्यान रखा जाए कि ऐसी चेकिंग टीम के पास स्वचालित हथियार और टीम के सदस्य चुस्त दुरुस्त हथियार चलाने में दक्ष, चेकिंग के दौरान कर्मियों को सतर्कतापूर्ण रहने की हिदायत भी देती रहनी चाहिए। जनपदों में स्थापित पशु वशालाओं में पशुओं के प्रवेश द्वार पर CCTV कैमरा अनिवार्य रूप से स्थापित होना चाहिए, जहाँ पर पुलिस तथा पशुधन विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य रखी जाए। पशुवध हेतु लाए गए पशुओं के संबंध में परिवहन का माध्यम, वाहन की संख्या, वाहन चालक नाम, पता, पशुवध हेतु लाए जाने वाले पशुओं के पशुवध हेतु आवश्यक मानक की पूर्ति करते हुए अथवा नहीं करते हैं, पशु दुधारू हैं अथवा नहीं, इस संबंधित सभी विवरण को रजिस्टर में दर्ज करते रहना चाहिए, जिसका समय समय पर राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करते रहना चाहिए। उपरोक्त बताए गए बिंदुओं को आत्मसात करते रहने से और पूर्ण मनोयोग से संवेदनशील होकर गाय एवं गोवंश के तस्करी और गो तस्करी, पशु क्रूरता एवं अवैध परिवहन को रोकने में हम विशेष योगदान दे सकते हैं और इस प्रकार की कुप्रथा पर रोक लगाने में सफल हो सकते हैं। धन्यवाद।